हमको पता है जब तक 50। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब प्राणी, व्यक्ति कुछ भी, किसी किसी के भी जो विशेष नाम होता है उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, संज्ञा में हम लोग पहले पढ़े हैं बस व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान। तो प्राणी में क्या आता है या व्यक्ति में, जैसे कोई भी नाम, जैसे आप मान लीजिए रमेश, राम, सीमा, आयुष, कृष्ण, कुछ भी नाम ले लिए, जो भी नाम लिए ना किसी भी प्राणी का, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो, उन सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो प्राणी हो गया। अब आया वस्तु। वस्तु में कोई भी, आप घर में भी कोई भी वस्तु देखते हो ना, कोई भी सामान, जैसे पुस्तक, टेबल, पेड़, घड़ी, पर्वत, कुछ भी आप कोई वस्तु देखें, ये भी संज्ञा में आता है। ठीक है, स्थान। स्थान में क्या है, कोई भी स्थान, जैसे आपको दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, जैसे मैदान हुआ, शहर हुआ, गांव हुआ, ये सब कोई भी वस्तु है। टेबल, कुर्सी, कलम, पेन, कुछ भी नाम जो है वस्तु, कोई भी चीज जो हमारे सामने है वो सारा संज्ञा में आता है। ठीक है, स्थान। स्थान में क्या हो, कोई भी स्थान, जैसे कि आप कहीं भी गए, दिल्ली गए, पटना गए, ठीक है, विद्यालय, मैदान, अस्पताल, जमशेदपुर, दृष्टिपुर, कुछ भी, कोई भी नाम देख लीजिए, आप सभी संज्ञा में आता है। ठीक है, ये सारा स्थान जो है, स्थान माने जगह, प्लेस, प्लेस जो हुआ वो सारा संज्ञा में आता है आपका। उसके बाद आते हैं संज्ञा, उसके भाव। भाव मतलब जो भी आप सोच रहे, भाव माने फीलिंग्स जो होता है ना, जैसे आप सोच रहे हो या जो दिख रहा हमको, जो कोई जिसका नाम नहीं है लेकिन हमको दिख रहा है, तो वो भी संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, बच्चा है वो आ गया, वो भी आ गया बच्चा, माने बचपना, छोटा बचपन, बच्चा का बचपना जो हुआ। बुढ़ापा, जैसे उदास, चेहरा उदास है, वो तो कोई नाम नहीं है लेकिन आपका चेहरे से हमको दिख रहा है कि वो आप उदास है, तो वो भी संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, संज्ञा के भेद। अब आते हैं हम लोग संज्ञा के भेद में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहले जो था संज्ञा के पांच भेद होते थे, लेकिन अब तीन ही भेद होते हैं। पहले क्या, तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन हो गए संज्ञा के भेद। लेकिन पहले जो थे ना, दो और थे, क्या, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है, अब हम लोग तीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तीन ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स देखिए, किसी भी जगह का, आदमी का, या किसी भी चीज़ का, यदि इसका कोई विशेष नाम होता है जिसे हम नाम के से ही जानते हैं, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे राम, बालक बुलाए तो वो क्या हुआ कि मैंने किसी बच्चे को बुला रहे, लेकिन यदि हम उसका नाम ले लिए, जैसे राम इधर आओ, तो ये क्या हुआ, विशेष नाम हो गया, यानी वो राम ही सुन के उस नाम से हमारे पास आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है, तो ये विशेष नाम हो गया। जैसे भारत, भारत हमारा देश है, तो हमारा देश भारत है, मतलब ये देश जो है ये हमारा ही है और कुछ है, इसका नाम लेते साथ हम क्या समझ जाएंगे कि ये हमारे देश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे। जैसे देखिए, कमला, राम, भारत, रामायण, गंगा, गीता, ये सब जो नाम हम ले रहे हैं, इससे क्या होता है, किसी विशेष के बारे में हम बोल रहे हैं, ये नाम लेते साथ हम समझ जाते हैं कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आप समझोगे कि किसी भी स्पेशल जो विशेष नाम का हम आवाज देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी विशेष जाति, वस्तु अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक मतलब किसी विशेष जाति,
मतलब उस पूरे एक ग्रुप में जितने भी वो आदमी है उसका एक विशेष नाम होता है। जैसे कि नेता, नेता हुआ ना, तो नेता क्या है, नेता मतलब जो हुआ मिनिस्टर, नेता जो हुआ उसमें क्या होता है, जितने भी नेता हैं वो जाति में आ गए। जैसे शिक्षक, शिक्षक बोलने से हमारे क्या पता चल रहा है कि किसी विशेष शिक्षक को हम नहीं बुला रहे, जितने भी शिक्षक हैं उन सारे के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लड़की, लड़की मतलब जितनी भी, यदि एक साथ 10 लड़की हैं तो वो पूरे उस ग्रुप में आ गई, तो लड़की बोलने से ही पता चल जाएगा कि हम सारे लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बालक मतलब छोटा बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सारे जाति में आ गए। तो इस तरह जातिवाचक मतलब किसी विशेष जिससे प्रयोग होता है, जैसे किसी विशेष जाति, जैसे पेड़, चिड़िया, चिड़िया भी बोले तो जितने भी चिड़िया हैं वो सारे उस ग्रुप में आ गए, तो वो सारे जातिवाचक में आ जाएंगे। तो इस तरह से जैसे उदाहरण मैंने देखे समझाया, देखिए लड़का, लड़की, आदमी, जितने भी आदमी हैं सारे आदमी वो जाति में आ गए। महिला, महिला में जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे जाति में, महिला जाति में आ गई, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक जाति में आ गए। शहर, जितने भी शहर हैं वो सारे शहर क्या आ गए, एक शहर की जाति में आ गए, ठीक है। इस तरह से पुस्तक, जितने भी पुस्तक है चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी हो, वो सारे क्या है, एक विशेष पुस्तक जाति में शामिल हो गए। तो इस तरह किसी भी नाम लेने से जिससे हमको उस पूरे ग्रुप के बारे में, पूरा समूह के बारे में पता चलता है, वो जाति हो गया, ठीक है। अब चौथा, तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव का पता चलता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे देखिए किसी भी फील, जो हमको जिसका कुछ विशेष नाम नहीं है, बस हम देख के समझ पाते हैं। जैसे हम किसी रोता बच्चा को देख लिए तो कहेंगे ना कि वो बच्चा उदास है, रो रहा है, ठीक ना। जैसे हम कोई कोई भी, जैसे हम कुछ खा रहे, जैसे कोई फल या मिठाई कुछ भी खा रहे, तो क्या है, हमें जो स्वाद लगा, जैसे कुछ फल मीठे होते हैं तो हम खाएं तो वो हमको मीठा लग रहा, तो मिठास ये क्या हो गया, भाव हो गया। वो कोई किसी का नाम नहीं है, बस हम हमारी फीलिंग फीलिंग है। तो इससे क्या हुआ, हमारा अनुभव, अनुभव मतलब हम जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा जो अनुभव भाव है वही हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मिठास, कोई भी चीज़ जैसे हम खा रहे हैं और हमें मीठा लगा या कड़वा लगा, तो ये क्या है, हमारा अनुभव है, हमारा भाव है, उसको हम बता सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ये सारा भाव जितने भी है ना, उसे हम देख नहीं पाते हैं, बस उसे हम अनुभव कर सकते हैं, ये होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण के साथ समझाया, जैसे बुढ़ापा, मिठास, पवित्रता, सुंदरता, मोटापा, अपना, पराया, तो ये सारा क्या है, हमारे भाव है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये संज्ञा जो है समाप्त होता है। यदि आपको इससे कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। और आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।